Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन सीख कबाब, एकदम परफेक्ट मटन सीख कबाब। कैसे बनाते हैं, अगर आपने ये जो वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है उसकी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। इनफैक्ट हमारी चिकन की कैसी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट और क्विकली बन जाती है। इनफैक्ट मटन की थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन आज मैंने जो रेसिपी बनाई ना उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। जैसे चिकन में कैसे क्विकली जल्दी पक जाती है और अच्छी टूटती भी है, वैसे ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 250 ग्राम मटन बोनलेस। अच्छा, यहाँ पर मैंने चर्बी पूरी तरीके से निकाल दी है और चना बोटी करी है, दो तीन पानी से धो के 1-1.5 घंटे के लिए नितारने रख दिया था छन्नी के ऊपर। उसके बाद मैंने फ्रिज में डाल दिया और नेक्स्ट डे अभी मैं इसका बना रही हूँ सीख। अच्छा, आपके पास प्रॉपर परफेक्टली कीमा हो तो आप कीमे का भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जब कीमा आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा उसमें चर्बी लगी हुई आती है। और स्पेशली फूटते हमारे इसके लिए कि पानी या फिर मॉइस्चर, इसका मतलब है ज़्यादा होता है या फिर कीमे के अंदर चर्बी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ही चीज़ मैं यहाँ हटा देती हूँ, जैसे चर्बी है ही नहीं और दूसरा है कि मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो पूरा मॉइस्चर हट जाता है। अगर आप सेम डे पे बना रहे हैं तो चाहे आप बोनलेस लें मेरी तरह या फिर कीमा लें, दोनों ही सूरतों में बहुत ही अच्छा ड्राई होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, पानी का बिल्कुल भी कतरा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आप मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए इसे, या फिर आप चॉपर में डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए धोई हुई थोड़ी सी और सूखी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मैं यहाँ हरी मिर्चियाँ 2 डाल रही हूँ, ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए, बट आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये 2 टेबलस्पून बिरिस्ता है, ये भी डाल दीजिए। मैं कुछ कली लहसुन की 6-8 डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। अब पाउडर मसाले डाल दीजिए, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो साबुत धनिया का जो दरदरा पिसा हुआ आता है वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कचली पाउडर भी नहीं है और ना ही मेरे पास कच्चा पपीता है, तो यहाँ पर मैं पका हुआ पपैया यानी कि पपीता डाल रही हूँ। एक छोटा सा पीस, उसके मैंने 3-4 पीस कर दिए, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, या फिर मीट टेंडराइजर हो तो वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ मैं 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन डाल देती हूँ। 2 ब्रेड को हाथों की मदद से चूरा करके डाल दीजिए। अच्छा, आपने देखा नमक नहीं डाला है मैंने, राइट? क्योंकि चाट मसाले में नमक है, मैंने मक्खन डाला है उसमें नमक है, बट आप तब भी डालना चाहते हैं तो 1/4 छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इसको बहुत अच्छे से पीस लीजिए मिक्सर जार के अंदर डालकर, और जब अच्छा पीस जाए तो एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। अब बर्तन के अंदर ना ये देखिए कितना परफेक्टली पीसा गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर साइड पर कर दीजिए ये सारों को और बीच में स्पेस कर दीजिए। बीच में आप वाटी रख दीजिए, स्टील की या फॉइल की वाटी बना के रख दीजिए, गर्मा गर्म कोयला रख दीजिए उसके अंदर, और क्विकली घी तेल या मक्खन डाल दीजिए कोयले के ऊपर और ढक्कन ढक दीजिए इमीडिएटली, और कुछ वजन रख दीजिए। तकरीबन मैं 5-6 मिनट रख रही हूँ, आप 2-3 मिनट भी रख सकते हैं। चलिए, 5-6 मिनट हो चुके हैं, तेल का हाथ लगाकर सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद तेल का हाथ लगा कर मैं तो है ना सबसे पहले इसके पोर्शंस इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर 6-7 बना रही हूँ, आपके हिसाब से जितनी बड़ी या छोटी बनानी है आप उतनी मिक्सचर को डिवाइड कर लीजिए। मैंने 7 बनाई है। अब आप चाहें तो सीख आती है उसमें शेप दे दें या फिर हाथों की मदद से शेप दे दें, मैं यहाँ कांडियाँ ले रही हूँ। आप चाहें तो कांडी के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें और ये जो हमारी एक पोर्शन है इसे लीजिए, चारों ओर फैला दीजिए कांडी के ऊपर और इसे शेप देते जाइए सीख का इस तरीके से। और जब अच्छा आप लंबा एकदम फैला दें इसके ऊपर तो उंगलियों की मदद से इस कदर शेप दे दें और ये बन गई हमारी एक सीख कच्ची। इसी तरीके से सारी सीख बना लीजिए। अगर आपके पास कांडी भी ना हो, सीख भी ना हो, वो जो स्टील की आती है, तो इस तरीके से कबाबों का शेप दे दीजिए। ये देखिए मैंने ऐसा बनाया है, ऐसे ही सारे शेप दे दीजिए और सब चलिए मैंने बना लिए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम लग रहे हैं ना परफेक्ट। आप थोड़ी देर फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैंने 1/2 घंटे के लिए रखा था। चलिए, अब मैं अभी फ्राइंग के लिए थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर तेल डाल रही हूँ और खूब सारा मक्खन डाल रही हूँ,
यूजुअली मैं सिर्फ मक्खन से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने दोनों डाला है। अच्छा, अब ये एक एक करके ये सारी स्टिक्स रख दीजिए हमारे मटन सीख कबाब की बढ़िया सी मज़ेदार सी, और इसे उलट पलट करते हुए इसे बार बार चारों ओर से फ्राई कर लीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही रखिएगा और तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट में तो आराम से पक जाएगी, क्योंकि हमने जो पका हुआ पपैया डाला है ना उससे आराम से पक जाएगी। तो आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाए, जैसे हम ग्रिलिंग स्पॉट्स लेके आते हैं चारों ओर से आ जाए, इतनी देर में तो 3-4 मिनट में तो हमारी ये गल भी जाएगी मटन की सीख। तो इन्हें निकाल लीजिएगा प्लेट के अंदर। अच्छा, अगर आप फर्ज करो आपके पास पपैया भी नहीं है, कच्चा पपैया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका फ्राइंग प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको वैसा प्रोसीजर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो मैं वो वाला प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चारों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, और ये कांडियों में आपने नहीं रखना है, तो आप रोटी हो तो रोटी या पराठा उससे हल्के से निकाल लें हाथों से, या फिर मैंने इस तरीके से निकाला है वैसे निकाल लें। तो ये चलिए बन गए हमारे गर्मा गर्म मस्त से मटन सीख कबाब। ये देखिए, आपको मैं क्लोजली एक दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने माशाल्लाह लग रहे हैं, एकदम लग रहे हैं ना बाहर जैसे। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कितने सॉफ्ट है आपने देखा, और बिल्कुल भी फूटे नहीं, और कितने झटपट जल्दी बन गए। ये देखिए कितने मुलायम है, आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने अल्ट्रा सॉफ्ट बने। और मेरे को तो चटनी की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने तो ऐसे ही कितने खा गए, लेकिन चटनी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पका हुआ पपैया जो मैंने डाला है वो सिर्फ एक छोटा चाय का चम्मच जितना ही डाला है, आप भी उतना ही डालिएगा। ज़्यादा डालोगे ना तो बहुत भूसे भूसे टाइप हो जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा आपको मटन सीख का। अच्छा, हरी मिर्चियाँ और काली मिर्चियाँ और जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा ये रेसिपी में। अच्छा, नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन डाला था, बटर जो वो के मेल्टेड नहीं था, तो इसका मतलब ज़्यादा ही मक्खन गया है, 2 से भी ज़्यादा गया है। और दूसरी बात, मैंने मक्खन में ही फ्राई किया और चाट मसाले में भी नमक था, तो मुझे नमक की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। बट आप थोड़ा सा नाम के लिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच ज़रूर डाल दीजिएगा नमक। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए ये वाले वीडियो को क्विकली, और उससे ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।